हे गाइस, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं फ्रीक जिन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को आप किस तरह लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी साइबर क्रिमिनल आपकी इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। तो चलिए करते हैं शुरू। इसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी एम आधार एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देखने को मिलता है आपको यूज़र गाइडलाइन। तो एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें सेट करना होगा एप्लीकेशन पासवर्ड, मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो। उसके बाद नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना है और कन्फर्म का बटन दबाना है। तो एप्लीकेशन का पासवर्ड सेट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये मांग रहा है हमारा आधार कार्ड नंबर। आप स्कैन भी कर सकते हैं अपने आधार कार्ड पर बार कोड को। तो 12 डिजिट का आधार नंबर यहां डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके रजिस्टर फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा जो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीड कर लेगी और हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हम अपने आधार कार्ड को इस एप्लीकेशन के थ्रू लिंक कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करने के लिए हमें आधार कार्ड पर टैप करना होगा और एप्लीकेशन का पासवर्ड जो हमने पहले डाला था वो री एंटर करना होगा। अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन की सेटिंग में जाकर पासवर्ड रिक्वायरमेंट को बंद कर सकते हैं। यहाँ टूल बार पर जो बटन है इस पर क्लिक करके बायोमेट्रिक सेटिंग में जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन हाईलाइट होगा इनेबल बायोमेट्रिक लॉक, इसको चेक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये एक वार्निंग है जो बता रही है कि आप अपने ऑथेंटिकेशन को अगले 6 घंटों तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि ये सर्विस प्रोसेस होती है। उसके बाद फिर से आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई कराना है। अब आप सबसे नीचे बॉटम में देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक लॉक जो है वो हमारा लग चुका है और अगर इसको अनलॉक करना है तो हमें इस पर क्लिक करना होगा और एप्लीकेशन का पासवर्ड जो हमने पहले सेट किया था उसको दोबारा डालना होगा और यस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि बायोमेट्रिक्स अनलॉक। ये सिर्फ 10 मिनट के लिए अनलॉक होता है, ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद ये दोबारा लॉक हो जाएगा। बायोमेट्रिक लॉक इनेबल हो जाने के बाद आप अपने आधार कार्ड को फिंगरप्रिंट या आयरिस स्कैन से ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। ये काम आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।